लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोरोना में अपनों को खोने वाली बहन बेटियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों और स्टोन एसोसिएशन के डेलीगेशन भी तिरंगा मुहिम के तहत ओम बिरला से मिलने पहुंचे। इसी बीच हमारे संवाददाता भंवर चारण ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की। आप देख रहे हैं बहुत सारे श्रीफल आपको रखे हुए नजर आएंगे। बहुत सी बहनें यहाँ पर पहुंची है जिन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राखी बांधी और आप इस वक्त स्पीकर का हाथ देख सकते हैं। बहुत सी बहनों की राखियाँ कलाई पर सजी हुई है और बहुत सी जिम्मेदारियाँ जाहिर तौर पर इसके साथ उनके हिस्से आ जाती है। और बिरला साहब, रक्षाबंधन का त्यौहार कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ मनाने का आपने फैसला किया। कोरोना के आपदा के समय मैं जब कई परिवारों से मिला तो उस परिवारों के अंदर मैंने देखा कि कई की माँ, कई के पिताजी नहीं रहे, कई के भाई नहीं रहे। उस दर्दनाक हादसे को मैंने देखा, व्यक्तिगत रूप से भी उन परिवारों से मिला। समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे परिवारों को नियमित रूप संभालते रहें। रक्षाबंधन का पर्व रक्षा का पर्व होता है, ऐसे परिवारों के साथ खड़े रहें, संबल दें और वो अपने जीवन यापन ठीक से कर सकें, उसके लिए सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करें। इसलिए हर बार मैं रक्षाबंधन पर कोशिश करता हूँ परिवारों से मिलूं कि समाज के सभी लोग हम ऐसे परिवारों के साथ मिलकर उनका सहयोग करेंगे तो जो हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है कि सामूहिकता के साथ हम अभावों को दूर कर सके, उसको पूरा कर पाएंगे। बेटा साहब, आपने एक मुहिम चलाई थी, आप हर कोरोना पीड़ित मृतक के घर तक पहुंचे थे, आपने उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया था, स्वास्थ्य के लिए सारा खर्चा उठाने की कोशिश की थी। आज रक्षाबंधन पर भी आपने उन्हीं परिवारों को याद किया, उन्हीं के बीच में आप हैं, किस तरह से आपकी मुहिम आगे बढ़ रही है? मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार जिन परिवारों में ऐसा हादसा हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी विपदा थी और विपदा के अंदर नियमित रूप से लंबे समय तक उनके साथ जुड़ा रहना, लंबे समय तक उनके सुख दुख को दूर करना, हर त्यौहार के अंदर, पर्व के अंदर उनके साथ रहना और समय समय पर किस तरीके से जो उनके अभाव हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों का क्या समाधान हो सकता है उसके लिए चर्चा करना। मुझे लगता है कि कई परिवार हैं जो अभी भी आपदा से निकले नहीं हैं, उन परिवारों को और कोशिश करनी पड़ेगी ताकि लंबे समय तक उनको हम उनके पैरों पर खड़े हो सकें और वो सामान्य जीवन जी सकें। रक्षाबंधन की फिलहाल खुशियां हैं बिरला साहब और स्वतंत्रता दिवस समारोह की भी खुशियों में पूरा देश डूबा हुआ है, तो बहुत से ऐसे लोग जो आपके पास भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने तिरंगा मुहिम शुरू की है, तो किन शब्दों में आप बधाई देना चाहिए? आज भी यहां पर आप देख लो बड़ी संख्या के अंदर जो राजकीय सेवा से निवृत्त होकर आए, उनमें अपने जीवन में उन्होंने राजकीय सेवा के माध्यम से समाज, देश और राष्ट्र की बहुत सेवा की है और उन सबके सामूहिक प्रयासों से भारत आज़ादी के बाद इस विभव में पहुँचा है। ऐसे जितने भी सेवा निवृत्त आए हैं वो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें जुनून है, उत्साह है नए भारत के निर्माण का, आज़ादी के बाद भारत के नए सपनों को पूरा करने में उनके अनुभवों का लाभ आने वाले समाज को मिले। उन्होंने समाज के अंदर उस समय शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे काम किए जिससे